नजर लग रही है नजर लगनी नहीं चाहिए। हाँ, आदिल और मैं बीमार हो रहे हैं। आज बैंड्रा में ना हाँ जी, आई एम हैप्पी कि सलमान जी को गन का लाइसेंस मिल गया। इज दैट ट्रू? अच्छा रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। आज आप सर की मॉम डैड फैमिली से मिलने आए हो ऐसा हमें सुनने में आया कि क्या ये सच है? नहीं, उनकी फैमिली आई है डेफिनेटली। तो आप उनसे मिलोगे? सिर्फ डिनर कर रहे जी। तो क्या कुछ ताज में हम लोग डिनर कर रहे हैं। आई एम हैप्पी। तो मिलने के बाद क्या कुछ बोलने वाले हो उसके बारे में? कुछ नहीं, जस्ट डिनर करेंगे और वो मुझे देखेंगे। मतलब मॉम डैड मतलब रियल मॉम डैड नहीं आए, कजन आए हैं, है ना? ओके, तो आपने राखी जी के बारे में क्या बताया अपनी फैमिली को? मेरी फैमिली तो ऑलमोस्ट हर चीज जानती है राखी के बारे में। मैंने कि बैंगलोर भी आ रही है राखी मेरी। ओके, शादी वो करना या तो आदिल सर के मॉम डैड से मिलने का कब है आपका प्लान? वो जब भी मिलाएंगे तब। और आगे रिश्ता बढ़ सकता है? एक्चुअली इनका खानदान दुरानी फैमिली मतलब बहुत है ना, तो अभी आंटी अंकल वैसे सब लोग आ रहे हैं। जी, हमारा डिनर है। या तो क्या कुछ तैयारी की है आज के लिए? थोड़ा नर्वसनेस कुछ? नर्वस तो हूँ मैं, बट मेरे साथ आदिल है इसलिए मैं डरती नहीं। मतलब आदिल ने आपको सब कुछ ट्रेन कर दिया है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे इम्प्रेस करना है? हाँ, वो दिखी है। हाल ही में आप लोग दुबई गए थे, उस ट्रिप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको डॉक्टर की कोई डिग्री कैसे कुछ सुनने में आया है? MBBS किया है मैंने। वो कब किया? डॉक्टरेट मिला है। डॉक्टरेट राखी मतलब वो एक अवार्ड मिलता है ना, वैसे वैसे कोई इतना डरो मत कि मैं किसी के MBBS ये डिग्री लेके ऑपरेशन करने चली जाऊंगी। उसको डॉक्टरेट मिला है पर सोशल सर्विस। वो पेशेंट भी खुश हो जाएगा, वो पेशेंट भी खुश हो जाएगा आप इससे डॉक्टर। आई स्वेयर मैं कहती हूँ मुझसे ऑपरेशन करवा लो, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो वाली डॉक्टर नहीं है, सोशल सर्विसेज के लिए डॉक्टरेट अवार्ड दिए। देखो आदिल मुझे कितना करेक्ट करते हैं जी। मेरी जिंदगी का सही लाइफ पार्टनर है, सपोर्टिव लाइफ पार्टनर। बड़ा आपका सच बता दूं, आदिल खुद एक डॉक्टर है। नहीं, मेरे दोस्त डॉक्टर थे तो मैं उनके साथ पढ़ता था, तो मेरे को थोड़ा नॉलेज है उसमें, थोड़ा बहुत नॉलेज है। नहीं नहीं, मुझे जब मुझे पता चला कि उन्होंने सब कुछ सर्जरी के बारे में मेडिसिन के बारे में सब बताते हैं तो फिर ऐसा लगा कि अरे आपको कैसे पता। तो आपने आगे कभी सोचा नहीं पढ़ाई करने का मेडिकल? मेरे को कभी भी उसमें इंटरेस्ट था, मेरे को कभी भी बिजनेस में इंटरेस्ट था, तो मेरे दोस्त जो थे पूरे डॉक्टर्स। नहीं भाई, टोल्ड मी आई एम अ डॉक्टर, आई नो एवरीथिंग। आई नेवर टोल्ड यू। ए यू टोल्ड मी। इसको एक बार मैं डांटा बिकॉज़ गलत गोली खा रही थी, तो ऐसा बोला मैं बस। तो राखी जी रक्षाबंधन आने वाला है, तो राखी जी किन बॉलीवुड भाइयों को राखी बांधते हुए दिखी? अभी जो एक दिन है ना, मेरी फोटो इतनी वायरल होने वाली है ना रक्षाबंधन के दिन। राखी मैं आई एम सेंडिंग यू राखी, और ये सब मेरी फोटो भेज देते हैं। मत करो ऐसा। अरे मुझे आदिल के लिए रहने दो। सो एट द एंड सलमान सर को गन का लाइसेंस मिल गया, उसके बारे में? आई एम डैम हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि सलमान सर को गन का लाइसेंस मिल गया है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो बोलती हूँ सलमान सर आप टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होगा। देश की पूरी जनता की दुआएं उनके साथ हैं और मैं भी उनके लिए दिन रात प्रे करती हूँ। मैंने उनके गन लाइसेंस के लिए मैंने प्रे किया था कि गॉड उनको गन का लाइसेंस मिल जाए, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए फिर गन रख सकते हैं। एंड कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तो सलमान खान की बॉडीगार्ड बन सकती हूँ। अच्छा, मतलब अगर मैं वो ऐसे चल रहे अगर मैं उनके आगे से चलूं, अगर कोई गोली मरने वाला होगा तो मुझे लग जाएगी ना, भाई को नहीं लगेगी। मैं क्या मैं सलमान सर की बॉडीगार्ड आप फिर आदिल भाई आप क्या करोगे? तुमको पूछ रहे हैं, हम तुमको पूछ रहे हैं सब लोग। क्या तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? किस बारे में क्या करोगे? सलमान भाई के बॉडीगार्ड बन गए तो आप मेरे साथ ही रहोगे ना? अच्छा, मुझे भी गोली लगा दोगे क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना, कोई गोली का खाने का काम थोड़ी जो कोई मार के जाएगा। सो एट द एंड आपकी रील्स काफी, उनके पास और बहुत सारे सिक्योरिटी रहती है। सो एट द एंड आपकी रील्स काफी वायरल होते हैं,
काफी ट्रेंडिंग में रहते हो, आपको प्यार देने वाली ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे? ये कि मेरे और आदिल के लिए दुआ मांगो कि आज जो मैं जा रही हूँ डिनर में उनको मैं पसंद आ जाऊँ, और मैंने इनकी फैमिली को मैं पसंद आ जाऊँ बस। वैसे ब्रॉड माइंडेड है इनकी फैमिली, आंटी सब लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। सबसे ज़्यादा तो आदिल है, आदिल मेरे सारे नखरे उठाता है। राखी जी आपके राइट से स्टार्ट करिए। अदिल भाई आप राखी मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी मॉम ना आपकी बहुत बड़ी फैन थी, इवन आप बीच में अगर गायब हो जाती थी नहीं दिखती थी तो बोलती थी आज राखी नहीं दिखी मुझे, आपका पूरा स्वयंवर देखा था। लव यू बोलना नहीं है वो, हाँ पर वो आपकी बहुत बड़ी फैन थी। थैंक यू राखी जी। जी